कला के विद्यार्थी हूँ मैं, डॉक्टर दिनेश कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, मैं आज आपको स्केचिंग के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए तो स्केचिंग के रूप में हम अपनी खुली आंखों से जो भी दिखाई देता है प्रकृति में, यानी प्रकृति में जो भी दिखाई देता है हर वस्तु को हम स्केचिंग के रूप में अंकित कर सकते हैं। इतना नहीं विद्यार्थियों, आप सामने जो वस्तु है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, प्रकृति में जो भी है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, हर वस्तु विशेष को आप स्केचिंग के रूप में अंकित कर सकते हैं। इतना नहीं विद्यार्थियों, आप अपने मन से भी स्केचिंग बना सकते हो। जो आपके मन में जो भी विचार आए, किसी भी प्रकार के आकार प्रकार रूपाकारों को आप स्केचिंग के रूप में अंकित कर सकते हो। विद्यार्थियों, वैसे देखा जाए तो स्केचिंग शीघ्रता से किया गया रेखांकन, यानी जल्दी से बनाई गई किसी भी प्रकार की आकृति या रूपांकन, जो अपने आप में पूर्ण भी हो सकता है या किसी चित्र के लिए पूर्व विचार, उसको स्केचिंग के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, स्केचिंग करने के लिए आप इस तरह स्केच फाइल लीजिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी प्रकार की अच्छी स्केचिंग करने के लिए अच्छी फाइल खरीद सकते हो। आप अपने मनोत्पन्न भावों को या जो रूपाकार आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं उनको स्केच फाइल पर शीघ्रता से अंकित कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, इस रूप में मैं आज आपको कुछ स्केचिंग बनाकर बताने जा रहा हूं, आप इसे समझने का प्रयास कीजिए।